कोरोना वायरस महामारी के चलते अनवार एजुकेशन सेंटर ने अप्रैल मई जून 3 महीने की फीस माफ करने का घोषणा किया। उन्नाव की कोरोना जैसी घातक महामारी संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है, जिसके चलते संपूर्ण आम जनमानस का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कोरोना वायरस महामारी के चलते 3 माह लॉकडाउन किया गया, जिस कारण गरीब आम जनमानस इस कदर टूट चुका है कि बच्चों की फीस विद्यालय में नहीं जमा करा सकता। इस महामारी को देखते हुए हमारे अनवर अहमद एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर मुसीर खान ने यह घोषणा कर दी। 3 महीने की फीस हमारे विद्यालय अनवर अहमद एजुकेशन सेंटर कुंदन रोड उन्नाव में अभिभावकों से नहीं वसूली जाएगी। और विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मुसीर खान ने बताया कि हमारे विद्यालय में सबसे कम फीस ली जाती है। आप ये बताएं कि आप इस वक्त कहां बैठे हैं और किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैं इस समय अनवार अहमद एजुकेशन सेंटर कुंदन रोड उन्नाव में बैठा हूं और ये कार्यक्रम बुलाने का मकसद, प्रेस वार्ता करने का मकसद सिर्फ ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो स्कूल हमारा बंद रहा अप्रैल मई और जून, इन 3 महीनों की फीस माफ करने के संबंध में आज यहाँ पर आप लोगों को मैंने बुलाया और कुछ भी समझ सकते। ये कितने वर्षों से स्कूल आपका चल रहा है? ये स्कूल हमारा विगत 5 वर्षों से आग्रह दिया है माफ करने का। ये हम अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। ये संस्था की तरफ से? हाँ, ये संस्था की तरफ से। ये पुण्य का काम है कि हमने देखा, टटोला, लोगों के बीच गए कि जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। हमारे स्कूल वो बच्चे पढ़ते थे, रक्षा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, उनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनकी परेशानियों देखते हुए हमने फीस माफी दी। आप देखते होंगे कि यहाँ पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है फीस माफ को लेकर, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोगों को माफ करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। ये तो हमारा अपना मामला है, दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हम। अब कोई माफ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा अपना अपना निजी मामला है, हम अपने निजी स्कूल के मालिक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई आदेश आपके पास आया है? नहीं, अभी फीस माफी हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है आपके स्कूल में? मगर किसी बच्चे को, जैसे कि कोई गरीब है या कोई पढ़ना चाहता है, तो उसको आप क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं? देखिए, इस स्कूल का मकसद सदैव ये रहा है कि यहाँ पर धन अभाव के कारण कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। इन चीज़ों को आधार लेकर के हमने विगत 5 वर्षों पूर्व इस स्कूल की स्थापना की थी और इस स्कूल का मकसद यही था कि गरीब, बेसहारा, अनाथ, जिनके परिवार में कोई नहीं है, इस तरीके के गरीब बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना, ये अनवार अहमद एजुकेशन सेंटर कुंदन रोड उन्नाव का ये मकसद।